ब्रिटिश कर्नल अपनी पत्नी के साथ भारत में रहते थे। भारत में रहते हुए उन्हें काफ़ी वक्त बीत चुका था और इसी बीच पूरे विश्व में यह खबर फैल रही थी कि प्रथम विश्व युद्ध होने वाला और कभी भी हो सकता है। अंततः प्रथम विश्व युद्ध की घड़ी भी आ गई और कर्नल को अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। विश्व युद्ध जितने भी दिन चला, उस बीच अगर उन्हें कभी अगर समय मिलता तो वो अपनी पत्नी को एक पत्र के जरिए अपनी कुशलता के बारे में उनको अवगत कराते रहते थे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा है। काफ़ी टाइम तक उनके पत्र उनकी पत्नी तक पहुंचते रहे और उनकी कुशलता का जो समाचार था वो उनकी पत्नी तक समय समय पर पहुंच जाता था। अचानक एक दिन क्या हुआ कि कर्नल का पत्र आना बंद हो गया। उनकी बीवी बड़ी परेशान हो गई। काफ़ी टाइम तक उनका कोई पत्र नहीं आया, कोई समाचार नहीं आया, वो बड़ी परेशान हो गई। तो उन्होंने इसी बाबत कर्नल की जो यहाँ पर इंडिया में यानी कि भारतवर्ष में जो उनका ऑफिस था वहाँ पर जाके उनके उन्हें सीनियर से जाके बात की और उनसे पूछा कि उनके पति का कोई अता पता नहीं है, क्या कोई खबर है। तो उनके सीनियर्स ने उनकी पत्नी को ये जवाब दिया कि अभी भी हमारी जो टुकड़ी है या हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी को वहाँ से भी कोई समाचार नहीं मिला है। तो अभी हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि उनकी हालत क्या है, मीन्स वो अभी जिंदा हैं या युद्ध में शहीद हो गए हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो बेचारी पत्नी काफ़ी घबरा गई, सोचने लगी आखिर क्या कैसा होगा, कैसे वहाँ पर वो रह रहा होगा, या पता नहीं, बहुत तमाम तरह की उनकी अटकलें उनके दिमाग में आने लगी। जब वो उनके ऑफिस से वापस अपने घर आ रही थी तो रास्ते में उसको एक मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर में वहाँ पर काफ़ी लोग पूजा अर्चना वगैरह कर रहे थे। सावन का महीना था तो लोग भोलेनाथ जी की प्रार्थना कर रहे थे, भगवान शिवलिंग को जल अर्पण कर रहे थे। तो उसने चलते चलते एक ऐसे किसी पंडित जी को पूछ लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पंडित जी ने उनको शिव जी की महिमा बताई कि शिव जी की हिंदू धर्म में शिव जी का ये महत्व होता है, अगर आप दिल से अगर शिव जी से प्रार्थना करो तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कर्नल साहब की जो पत्नी थी वो वैसे काफ़ी आस्तिक थी, वो गॉड भगवान ये सभी पे विश्वास रखती थी, आस्तिक तरह की थी तो जाहिर सी बात विश्वास तो रखती ही होगी। तो उन्होंने उनसे पंडित से ये पूछा कि पंडित जी मैं तो क्रिश्चियन धर्म की हूँ तो क्या मैं आपकी शिव जी की प्रार्थना कर सकती हूँ। तो पंडित जी मुस्कुराए, बोले कि क्यों नहीं, शिव जी किसी विशेष समुदाय के नहीं हैं, हिंदू लोग उनको अपना आराध्य मानते हैं लेकिन शिव जी के लिए सब बराबर हैं। कोई भी सच्चे दिल से और पवित्र मन से अगर शिव जी की प्रार्थना करता है तो शिव जी हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो उसने कर्नल साहब की बीवी ने पूछा तो क्या मैं शिव जी की प्रार्थना कर सकती हूँ। पंडित जी ने जवाब दिया क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हूँ। उस दिन के बाद से उनकी पत्नी ने अपने घर पे आके अपने बंगले पे आकर के शिव जी की प्रार्थना प्रारंभ कर दी। पंडित जी से उन्हें सारे नियम सीख लिए थे कि कैसे किस तरह से मुझे शिव जी की प्रार्थना करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे जल चढ़ाना है, और इनफैक्ट उन्हें एक मंदिर भी में भी जा करके शिवलिंग पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। तो वो हर प्रार्थना में अपने पति की कुशलता की कामना किया करती थी। काफ़ी दिन बाद यही सारा सिलसिला चलता रहा। कर्नल साहब की बीवी शिव जी की प्रार्थना करती रही और प्रार्थना में अपने पति की कुशलता की हमेशा प्रार्थना शिव जी से करती रही। तो अचानक एक दिन जो है उनके पति का उनको पत्र आ गया। पत्र पढ़ करके उनकी पत्नी का खुशी का ठिकाना ना रहा। एक ओर तो खुशी थी और दूसरी ओर उनको बड़ा आश्चर्य था। उनके दिमाग में एक यही संशय बैठा हुआ था, क्या वाकई में ये शिव जी की प्रार्थना करने का फल है कि मैं आते शिव जी की प्रार्थना करती थी तो शिव जी ने मेरी मुराद पूरी कर ली और मेरे पति का पत्र मुझे आ गया। तो पति ने पत्र में ये लिखा था कि वो अगले हफ्ते यानी कि 7 और 10 दिन में वो घर वापस आ जाएंगे, यानी कि भारतवर्ष वापस आ जाएंगे। तो पत्नी बड़ी खुश हुई। 10 दिन बाद कर्नल साहब वापस आए, इंडिया में आए, भारतवर्ष में आए। तो पति ने उनको पूछा कि कैसा रहा युद्ध, कैसे आप काफ़ी टाइम से आपने जवाब नहीं दिया। तो कर्नल साहब ने कहा कि मैं चलो जब युद्ध की हालत तो खैर जैसे भी रहे लेकिन आप बताओ आप यहाँ पर इंडिया में कैसे थी। तो उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसा हुआ, मैंने फिर शिव जी के वो प्रार्थना की, ये हुआ, तो फिर आज आपका पत्र आ गया। तो पति ने अब पूछा कि अब आप बताइए कि आपने बीच में पत्र लिखना क्यों बंद कर दिया था। तो कर्नल साहब अपने युद्ध की पूरी जो उनका वृतांत था युद्ध का वो अपनी पत्नी को बताते हैं। वो बताते हैं
कि युद्ध के दौरान लगभग मेरे टुकड़े के लगभग लगभग सभी जवान जो शहीद हो गए थे, मैं अकेला मात्र बचा हुआ था और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, गोलियों की आवाज़ तड़तड़ाहट से, मतलब मेरा, क्योंकि गोलियां मुझे भी लगी हुई थी तो मेरे शरीर पर खून रिस रहा था और दर्द के मारे मेरा बुरा हाल था। ज्यों ज्यों दुश्मन, क्योंकि सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, तो सारे दुश्मन मेरी तरफ बढ़, मैं एक पत्थर की ओट में लिटा हुआ था और सारे दुश्मन जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे, और बस मैं तो यही सोच रहा था कि बस मैं अब गया और तब गया और ये मुझे जो है मार के रहेंगे। मैंने लास्ट वक्त पे, अंतिम समय पे मैंने ऊपर वाले को याद किया कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे यीशु, जो भी मतलब मेरा वो है, मैंने उनको याद किया और बोला कि प्रभु बस अब जो है अब आपके हाथ में। तो मैंने इस डर से, मौत के डर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन थोड़ी देर मैंने बड़ा जोर से शोर सुना, तो शोर सुना मैं देखता हूँ कि अफगान सेना जो है, जो अफगान सेना वहाँ से हम आक्रमण कर रही थी, जो मेरी तरफ बढ़ रही थी, वो अफगान सेना उल्टे पांव वापस भाग रही है। मैं देख करके बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि ये सेना जो मुझे मारने आ रही थी, मतलब रास्ते में मैं पड़ने वाले हर सैनिक को मार रही थी, ये वापस क्यों भाग रही है। मैं तभी देखता हूँ कि मेरे और उन सेना के बीच में एक विशाल का इंसान खड़ा है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं और बहुत विशाल, बहुत बड़ा है। मैं उसको साफ देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं घायल अवस्था में था, मेरी आँखें पूरी ढंग से खुल नहीं रही थी क्योंकि मैं बेहोश होने वाला था। मैं देखता हूँ कि वो विशाल का इंसान है और उसके लंबे लंबे बाल हैं, बहुत लंबे लंबे बाल उसको रखे हुए हैं, और इनफैक्ट वो पूरा नंगा है, सिर्फ उसने एक कोई कवर किया हुआ, एक टाइगर का जो खाल होती है, स्किन होती है, वो उसने पहना हुआ है और हाथ में एक बहुत बड़ा त्रिशूल लेकर के वो उनकी तरफ बढ़ रहा है। और उनको देख, उस आदमी को देख करके वो सारे लोग जो भाग रहे हैं, कि उसको देख के इस तरह से भाग रहे हैं जैसे वो कोई भयानक और डरावनी चीज़ हो। ये मैंने देखा, उसके बाद मेरी आंखें जो है बंद हो गई, बेहोशी के कारण मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे उसके बाद सीधा जो है हॉस्पिटल में ही मेरी आंखें खुली। तो काफ़ी दिन बाद जब मेरी आंखें खुली, तब मैं उसके बाद मैंने पत्र लिखा। तो कहते अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पर जो है पत्नी को पता था कि ये जो जिस आकार और जिस शरीर की ये बात कर रही है, जिस आदमी की ये बात कर रहे हैं, ये आदमी तो है शिव जी से मिलता जुलता है। तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो अपने पति को शिव जी के मंदिर में ले गई। जैसे ही वो लोग शिव जी के मंदिर पहुँचे, तो सामने शिव जी की मूर्ति देख करके वो कर्नल जोर जोर से चिल्लाया, अरे यही तो है वो, यही तो है वो जो मेरे को बचाना आया था उस दिन युद्ध में, ये यहाँ कैसे, ये तो मूर्ति है, वो वहाँ कैसे पहुँच गया था। चेहरे का तो मुझे पता नहीं कि चेहरा इसका यही था, लेकिन जो बनावट है इसकी, लंबे लंबे बाल, ये लंबा लंबा इतना लंबा त्रिशूल, ये तो यही है, क्या इसने मेरे को वहाँ के बचाया। वो इतना ही बोला और उसकी बीवी जो है शिव जी के चरणों में के नतमस्तक हो गई। वो उसको उस दिन से पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ, वाकई में जो है शिव शंकर हैं, महादेव जी हैं, अगर सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना की जाए तो वो जरूर भक्तों की जरूर सुनते हैं। तो इस प्रकार से कर्नल की बीवी ने ये सारी घटना जो अपने ब्रिटिश जो उनके जो फ्रेंड्स थे, ये रिलेटिव सबको सुनाया, वो किसी को विश्वास नहीं आया। लेकिन कहते हैं जिनके मन में एक बार श्रद्धा आ जाती है, वो फिर दूसरे की नहीं सुनते हैं, उनके बारे में परवाह भी नहीं करते। उस दिन से दोनों पति पत्नियों ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। अपने घर में उन्हें शिव जी के बकायदा एक शिव जी का मंदिर बनाया, उनकी मूर्ति रखे, उनकी वो पूजा करना प्रारंभ कर दिया। और दोस्तों, ये कोई मतलब कपोल कल्पना नहीं, ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। इस घटना की, इसको तुम टाइप करके देख लीजिए गूगल में, कहीं ना कहीं आपको ये कहानी मिल जाएगी और ये सच्ची कहानी है। ये जो है ब्रिटिश हुकूमत में जब भारतवर्ष था, ये तब की कहानी है। तो उस दिन से लेकर के आज तक, मीन्स आज तक उनके जो वंशज हैं इंग्लैंड में, उनके वंशज आज तक जो शिव जी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इन्हीं के कारण जो हमारे जो पूर्वज थे वो बच पाए, तब जाके हमारी ये पीढ़ी जो है आज यहाँ तक पहुँची है। तो ये थी शिव जी की महिमा का एक महिमा मंडल था। वो सही कहते हैं कि शिव जी के अगर दिल से पूजा की जाए, या किसी भी भगवान की अगर दिल से पूजा की जाए, अर्चना की जाए, तो जरूर आपको क्या करते हैं, वो जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये घटना कैसी लगी, प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।